हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं मिट्टी के बर्तन को प्रॉपर तरीके से क्लीन कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तरीका पता नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि विम लिक्विड से या विम सोप से, नहीं तो डिटर्जेंट से इस बर्तन को साफ करते हैं। तो वो सही तरीका नहीं है, उससे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए अभी जो हम तरीका देख रहे हैं उसी तरीके से आप कभी भी मिट्टी के बर्तन को साफ़ करिए। तो देखिए, यहाँ मैंने पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इस पानी को लेंगे और उसी से ही उस बर्तन को क्लीन करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, और फटाफट से मिट्टी का बर्तन बिना मेहनत के क्लीन होकर निकलता है। तो अभी ट्रेंड सा हो चुका है कि सभी लोग मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करना पसंद करते हैं, बट कुछ लोग चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग करी के लिए यूज़ करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जब बहुत गंदा बर्तन हो जाता है तो समझ में कुछ भी नहीं आता। सो ये तरीका देखिए, पानी गर्म करना है और फिर जिस बर्तन को हमें वॉश करना है उस बर्तन में पानी को डाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से पानी डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए, जैसे हम इसमें पानी डालना स्टार्ट किया, सभी जो गंदगी थी वो ऊपर आनी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, तो इसमें मैंने चाय बनाया था, तो चाय के लिए स्पेशली मैं ये बर्तन रखती हूँ हमेशा, और डेली चाय बनाने के बाद मैं इसे इस तरीके से गर्म पानी में डिप करके छोड़ देती हूँ। इससे ये बहुत ही आसानी से क्लीन होके निकलता है। तो थोड़ी देर के बाद, करीब 5 मिनट के बाद हम इसे वॉश करेंगे। तो मैं इसे घर के बाहर लेकर चलती हूँ और वही आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, अभी पानी इस तरीके का हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो हम इस पानी को फेंक देंगे और फिर इसे वॉश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो चुका है अंदर से। तो अभी मैंने यहाँ लिया है नमक को, तो थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर डाल देंगे और वॉश करेंगे। कभी कभार नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत गंदा बर्तन हो गया हो तो आप नमक लीजिए और इस तरीके का सॉफ्ट वाला जो स्क्रब होता है उसी का ही यूज़ कीजिए। अगर आप हमेशा स्टील का जो स्क्रब होता है उसी से ही क्लीन करते हैं तो आँच से बंद करिए, उससे क्लीन करना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। और इसी तरीके से आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा बर्तन रहेगा और इसका जो लाइफ टाइम है वो भी बढ़ेगा। सो इसीलिए आप इस तरीके से इसे क्लीन करके रखिए। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि इस तरीके से जब हम बर्तन को वॉश करते हैं तो सभी गंदगी निकल आती है, थोड़ी सी भी गंदगी इसमें नहीं रहती। अगर आप इस गंदे बर्तन को डायरेक्ट विम लिक्विड में डिप करके वॉश करेंगे तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा कुछ रह जाता है बाकी, और उसी बर्तन में हम फिर दोबारा खाना पकाते हैं तो वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। सो इसीलिए पहले हमने जो खाना पकाया था, इसमें करी या चाय कुछ भी बनाया है, वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए बर्तन, और बाद में हम इसे फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, अभी ये परफेक्ट क्लीन हो चुका है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं। तो वीक में एक बार इस बर्तन को आप धूप में रखिए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से इस बर्तन का ख्याल रखती हूँ, मिट्टी के बर्तन का। तो हमारे घर में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं, मैं डेली के सब्जी के लिए या चाय के लिए, दूध के लिए भी मिट्टी का बर्तन ही यूज़ कर देती हूँ। तो इसमें जब हम खाना बनाते हैं तो स्वाद तो बढ़ता ही है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ और वीक में एक बार मैं 1 घंटे के लिए इसे धूप में भी रख देती हूँ। इससे बर्तन बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखिए, अभी ये परफेक्ट क्लीन हो चुका है, यही सही तरीका है। तो आप इसी तरीके से मिट्टी के बर्तन क्लीन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिट्टी के बर्तन नए लेने के बाद किस तरह से उसकी सीजनिंग करते हैं उसका भी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो प्लीज़ देख लीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशाज टेस्टी वर्ल्ड।